में पानी का बहुत ज़्यादा होने के कारण वो नहर में उसके डूबने से मौत हो गई। मोहलखेड़ा गांव के पास घटना बताई जा रही है, क्या कुछ मामला था? आज डुआना खेड़ा का एक 18 साल का लड़का नहाने के लिए चला गया था गुरथली पुल के पास। लड़का का नाम था अमन, पिताजी का नाम था मनोज कुमार। प्लस टू पास करके बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा था और यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भी अच्छा था, अच्छा शरीफ लड़का बताया गया। और उसके परिवार के दो लड़कों के साथ नहाने के लिए नहर पर चला गया और उसके परिवार वाले बताते हैं कि वो ना तैरना भी जानता था, स्विमिंग की कोचिंग वगैरह तैरना वगैरह जानता था वो लड़का। और नहर में पानी का बहुत ज़्यादा होने के कारण वो नहर में उसके डूबने से मौत हो गई। उसके परिवार के तो दोनों साथी थे, उन्होंने घर सूचना दी, परिवार के सदस्य आ गए और उन्होंने उसकी उसी टाइम वही तलाश की नहर में, तो पुलिस से कुछ आगे उसकी लाश वहाँ पर मिल गई। कितने बजे का मामला सर? ये करीब 2:45 बजे का करीब का मामला है जो सूचना प्राप्त हुई है घर उनके बच्चे से। तो फिर थाना में सूचना मिलने पर मौके पर हम भी पहुँच गए, लाश को यहाँ उसके परिजन सिविल हॉस्पिटल में ले आए थे, तो डॉक्टर ने देख के उसको डेड घोषित कर दिया। कितना समय लगा सर बॉडी को निकालने में? बॉडी को लग गया करीब आधा घंटा तो उनको निकाल। गोताखोर भी पहुँचे? नहीं, गोताखोर तो उनके परिवार के लड़के सदस्य और काफ़ी आदमी पहुँच गए थे, उन्होंने निकाल लिया। स्थानीय लोगों ने निकाला सर? हाँ, उसके परिवार के सदस्य गांव के गाँव। बताया जा रहा है कि ये स्विमिंग की तैयारी भी कर रहा था। हाँ, सुना है कि लड़का तैरना भी जानता था लेकिन नहर की गहराई ज़्यादा है, पानी का बहाव तेज है और प्रशासन ने इस नहर पर नहाने के लिए मनाही भी की हुई है। हम भी लगातार गश्त करते हैं कि भाई समझाते हैं जो नहर पर मिलते हैं कि पानी ज़्यादा है और पानी के अंदर भौंर उठते हैं इस नहर में। सर आए दिन ऐसे मामले आ रहे हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मेरा यही संदेश है कि भाई समाज को इस तरह नौजवान पानी में डूब रहे हैं, बड़ी हानि है। जिस परिवार का जवान बच्चा गया उसके लिए तो है ही है, वो समाज को देश को भी ऐसे जवान बच्चों को खोने से बहुत हानि होती है। तो अपने बच्चों को समझाएँ और नौजवान भी इससे बचे नहर में नहाने से, पानी की गहराई ज़्यादा है, जवान उम्र होती है, कोई चीज़ का वो नहीं होता, ज़्यादा डर नहीं होता, पानी में नहाना तैरना जानते हैं, बस इतनी बात में नहर में गिर जाते हैं और फिर वो पानी का बहाव का अनुमान ना होने के कारण और इस प्रकार की दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। सर जो व्यक्ति तैरना नहीं जानते और जो तैरना जानते हैं उनके साथ भी ये घटना घटी है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो तैरना जानते हैं उसका कारण यही है ना कि उनको अनुमान नहीं होता पानी कितना तेज़ बह रहा है, गहराई कितनी है, तो इस प्रकार ये घटनाएं हो रही हैं। तो पुलिस प्रशासन से भी हमारी बात हुई है, पुलिस प्रशासन ने भी यही बताया है कि बड़ी दुख की बात है कि इकलौता ही बेटा था और अमन नाम था, अपने जो रिश्तेदार है भाईचारा उनके साथ है जो नहाने के लिए गया था और वहाँ पे बैन भी है नहाना, वहाँ पे हम गश्त भी करते हैं लेकिन बावजूद इसके हैं जो लोग हैं वो है जो नहाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है बताइए कि ये व्यक्ति है जिसने स्विमिंग की है, जो प्रॉपरली क्लासिक कोचिंग ले रखी थी, मतलब बहुत अच्छा तैराक था, बावजूद उसके है वो आज डूब गया है और एक घर का चिराग है जो बुझ गया है। तो अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, प्रशासन से हमारी बात हुई है, तो भाई हम हमारे दर्शकों को ये करेंगे कि अपने घर पे ही रहे, घर पे ही नहाए धोए और ऐसे नहर पे ना जाए चाहे कितना बड़ा तैराक हो। एक छोटी सी गलती जीवन लीला जो समाप्त हो जाती है उसकी एक छोटी सी गलती का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देखें पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार।